एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम जानना चाहते हैं कि जातक में कौन से भाव और ग्रह जो ये दिखाएं कि वो दंत चिकित्सा में जा सकता है। इसके लिए कुंडली का हमें पहला भाव, दूसरा भाव, छठा भाव, दसवां भाव, 11 भाव को देखेंगे और साथ साथ में सूर्य, मरकरी, शुक्र, शनि आदि का प्रभाव इन भावों से होगा तो जातक दंत चिकित्सक में विशेषता प्राप्त कर सकता है। अर्थात दंत चिकित्सक बनने के लिए आपको जो भाव है, पहला भाव जातक की इच्छा शक्ति का है, सेकंड भाव जो हमारे मुंह का है, छठा भाव जो कि हम जो हॉस्पिटल का जो काम कर रहे हैं उसके लिए है, दसवां भाव है हमारा कर्म स्थान है, 11वां भाव है जो हमारा लाभ का है और 12वां भाव हॉस्पिटल का है। तो 10वें भाव में अगर सूर्य, मरकुरी, शुक्र आदि का प्रभाव पड़ रहा होगा और 10वें भाव के सामने से वो केंद्र त्रिकोण में अपनी युति दृष्टि बना रहा होगा तो जातक दंत चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव डाल सकता है। मैं एस्ट्रोलॉजर हौसीलाल चौरे, वेबसाइट है chaure.blogspot.in, जीमेल एड्रेस hausi.chaure@gmail.com, मोबाइल नंबर 9893234। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे शेयर कीजिए और मेरी चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।